अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रॉयल कुजीन। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़े के चीज़ नान। ये घर में बग़ैर अवन के बहुत मज़े के तैयार होते हैं, बहुत आसान रेसिपी के साथ। आप इस स्पेशल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चलें अब बहुत ही आसान और बहुत मज़े के चीज़ नान बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक डिश ले लें या कोई बाउल ले लें। उसमें 2.5 कप मैदा ये ऐड करें, एक अंडा, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, 2 टीस्पून ईस्ट, 1 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 कप ऑयल। इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। अब 1/4 कप नीम गर्म दूध लेना है आपने और थोड़ा थोड़ा डाल के डो को अच्छे से गून लेना है आटे की तरह। सारा इकट्ठा दूध शामिल नहीं करना आपने। डो बहुत अच्छे से गुन चुकी है, ये देखें। अब एक बाउल ले लें, इसको ऑयल से ग्रीस कर लें। डो रखेंगे इसमें, ऊपर से भी ग्रीस कर लें ऑयल से। प्लास्टिक रैप से कवर कर दें अच्छी तरह। 1 से 1.5 घंटे के लिए डो को हम रखेंगे ताकि अच्छे से रेज हो जाए डो। अब चीज़ नान के लिए चीज़ की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1 कप मोज़रेला चीज़ ये ऐड कर दें, 1 कप चेडर चीज़, 1 टीस्पून ओरिगैनो लीव्स और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ये डाल दें। अच्छे से मिक्स करना है इन सारी चीज़ों को। डेढ़ घंटे बाद डो बहुत अच्छे से रेज हो चुकी है, ये देखें। इस सारी डो के तकरीबन आपके 4 चीज़ नान तैयार हो जाएंगे। सेम साइज़ के पेड़े तैयार कर लेते हैं। अब इसमें चीज़ की स्टफिंग कर लेंगे। इस तरह पेड़े को फैला लें। इसमें जो हमने स्टफिंग तैयार की थी चीज़ की वो डाल दें। अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्टफिंग को। और इस तरह चारों साइड से फोल्ड कर दें। ये एक पेड़ा इस तरह तैयार है, बाकी भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। अब शेल्फ पे मैदा डस्ट कर लें। जो चीज़ नान लिया था उसको हाथ की मदद से फैला लें। कोशिश करें कि आप बेलन यूज़ ना करें, उस तरह स्टफिंग बाहर आ सकती है। ईजीली हल्के हाथों से जितना नान को फैला सकते हैं आप फैला लें। एक बेकिंग ट्रे में मैंने फॉइल पेपर लगा के उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था, उसमें मैंने चीज़ नान रख लिया।
अब फोक से इसमें सुराख कर लें थोड़े थोड़े से गैप के साथ। मक्खन है ये लगा लेंगे सारे चीज नान पर। ऑरिगेनो लीव्स डाल दें थोड़े ऊपर से। थोड़ी सी कलौंजी डाल दें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर आता है नान पे। सफेद तिल डालेंगे थोड़े से। चीज नान अब बेकिंग के लिए तैयार है। नान को हम पतीले में बेक करेंगे। पतीले में मैंने एक स्टैंड रख लिया और 10 मिनट पहले ही मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। इसमें हम अपना चीज़ नान रखेंगे और लो फ्लेम पे कवर करके 10 से 15 मिनट हमने इसको बेक करना है। 10 से 15 मिनट अब हो चुके हैं। चीज़ नान को चेक कर लेते हैं। ये देखें बहुत अच्छा चीज़ नान बेक हो चुका है और बहुत ही अच्छी इसमें से चीज़ की खुशबू आ रही है। फ्लेम को ऑफ कर लें, इसको निकाल लेते हैं। गर्म गर्म नान को एक दफ़ा फिर बटर से ग्रीस कर लेंगे। अब हमारे बहुत ही मज़े के चीज़ नान तैयार हैं। ये बहुत सॉफ्ट और चीज़ी तैयार हुए हैं। आप इस स्पेशल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये चीज़ नान आप सबको बहुत पसंद आएंगे। मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।